तो आपने जाना कि देवता अलग चीज है, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो अलग चीज है। दो अलग अलग चीजें हैं। परमात्मा भी देवता हो सकता है, वो महादेव है, परम देव है। एक और इस सब्जेक्ट में बड़ा क्रूशियल लिंक है, उस वो है भगवान। भगवान शब्द सिर्फ परमात्मा के लिए यूज नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो भाग्यशाली हो, भाग्यशाली प्रॉस्परस है, इलुस्ट्रियस है, दिव्य है, पूज्य है, पवित्र है, उसको हम भगवान कहते हैं। कोई भी मनुष्य उसको हम भगवान कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में अगर आप थोड़ा उसका ट्रांसलेशन या पैरेलल वर्ड ढूंढें तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप लॉर्ड कहते हैं। जैसे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो यानी कि वहां सारे भगवान, मतलब वो कोई परमात्मा बैठे हुए हैं। वही सेंस है लॉर्डशिप का। जिसके पास कुछ है वो भगवान में, जो दो शब्द है भगवान, वान वाला बाला, जैसे धनवान होता है ना, जिसके पास धन है वो धनवान, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान, बुद्धिमान जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान, भगवान जिसके पास भग है वो भगवान। तो भग क्या है? भग ऐश्वर्य को भी कहते हैं, प्रॉस्परिटी को, भग ज्ञान को भी कहते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह के उसका डिस्क्रिप्शन है। एक विष्णु पुराण का बड़ा प्रसिद्ध है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शन्नं भग इति उक्तम्। ऐश्वर्य जिसके पास है, बहुत प्रॉस्परस है, वो भी भगवान कहलाता है। धर्म, जो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वो भी भगवान कहलाता है, धर्म भी भग है। श्री, जिसमें बहुत सौंदर्य है, सुंदरता है, ब्यूटी है, वो भी भगवान या भगवती कहलाता है। जिसमें बहुत ज्ञान है, जिसमें बहुत वैराग्य, डिस्पैशन, डिटैचमेंट है, प्रॉस्परिटी के ये सब अलग अलग डायमेंशन है। जिसके पास ज्ञान है वो, जिसके पास सुंदरता है, जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है, जिसके पास वैराग्य है, ये सब प्रॉस्परिटी के अलग अलग डायमेंशन है। इनमें से जिसके पास एक हो या अनेक हो, वो सब भगवान कहलाते हैं। और अगर फेमिनिन हो, मतलब अगर महिला के लिए यूज किया जाए भगवती, जैसे धनवती, गुणवती, ज्ञानवती, बुद्धिमती, श्रीमती, इसी तरह भगवती, तो वो पुरुष जिनमें कोई ना कोई ऐश्वर्य है, ज्ञान गुण वैराग्य है, वो भगवान है। और वो स्त्री जिसमें इन इनमें से कोई ज्ञान वैराग्य यश कीर्ति सौंदर्य ऐश्वर्य आदि, वो भगवती। अगर आप संस्कृत लिटरेचर को देखें, संस्कृत साहित्य में आज भी एक दूसरे को जो हमारे से रिस्पेक्टेबल होते हैं, एडोरेबल होते हैं, उनको हम भगवान कह के बुलाते हैं। भगवो अध्येमी, शिष्य गुरु को कहता है भगवान मुझे सीखना है। आज भी जो संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ट्रेडिशनली, वो अपने गुरु के सामने जब जाते हैं झुक करके बोलते हैं भगवान अभिवादये, हे भगवान मैं आपको ग्रीट करता हूं, अभिवादन करता हूं। इसका अर्थ नहीं कि वो गुरु को अपना ईश्वर बना मानता है। प्रजा राजा को भगवान बोलते हैं, शिष्य गुरु को भगवान बोलते हैं, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी मुनि हुए उनको भी हम भगवान बोलते हैं, भगवान व्यास, भगवान वाल्मीकि, जो भी बड़े बड़े राजा हुए, महापुरुष है, उनको भी हम भगवान बोलते हैं। इसी तरह हम भगवान राम, भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान बुद्ध, ये बौद्ध और जैन साहित्य में भी, जैनों में भी जो तीर्थंकर है वो उनको भगवान बोलते हैं, बौद्धों में महात्मा बुद्ध को वो भगवान बोलते हैं। बौद्धों में तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध ऐश्वर्यशाली है, वैराग्यपूर्ण है, बोधत्व को, एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए भगवान है। जैनों में भी उस तरह का ईश्वर कंसेप्ट नहीं है जो हिंदुओं में है, सृष्टिकर्ता सर्वव्यापक परमात्मा ने, जो उनके सिद्ध पुरुष हैं वो उनको भगवान मानते हैं। तो हिंदू शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में भी भगवान का वही अर्थ है। कोई भी मनुष्य
कुछ उसके पास अच्छी चीजें हैं, सिद्धि है, हमारे से बड़ा है, अडोरेबल है, रिस्पेक्टेबल है, हम उसको भगवान मानते हैं। अंग्रेजी में आप सर बोलते हो, लॉर्ड बोलते हो, संस्कृत में उसको भगवान बोलते हो। परमात्मा भी भगवान है, भी अंडरलाइनिंग है, भी परमात्मा भी भगवान है, पर भगवान कह लेने से जो भी भगवान है वो परमात्मा नहीं। जब आप बोलेंगे भगवान वाल्मीकि तो इट्स नॉट गॉड वाल्मीकि, वाल्मीकि ईश्वर हो गए। जब आप कहते हैं भगवान व्यास तो इसका अर्थ नहीं कि व्यास ईश्वर हो गए, नहीं। कमन लोगों में इस तरह का ज्ञान ना होने के कारण ये कंफ्यूजन होता है। कंक्लूजन ये है, परमात्मा वो ईश्वर ब्रह्मा जो भी कहें वो एक ही है, सारा संसार का वो एक ही स्वामी है, उसका कोई दूसरा नहीं है। देवता कितने भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकते हैं, जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, या मनुष्यों में जिनका चरित्र शुद्ध हो वो सब देवता है, जो खराब चरित्र वाले और राक्षस हैं। भगवान जो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, जिनने जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है वो सब भगवान होते हैं। तो ये सब शब्द परमात्मा के लिए भी यूज होता है।